नरक हेल इन द बाइबल। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम जानेंगे नरक के बारे में। इस वीडियो को पूरा सुने और शेयर जरूर करें। पेज पर पहली बार आए हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का मतलब है परमेश्वर की इच्छा और हुक्मों का उल्लंघन करना। जो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को पसंद नहीं करता, उनका अंत नरक ही होगा। पाप करने वाले यीशु को पसंद नहीं करते हैं। उनके पीछे शैतान की शक्तियां काम करती हैं। पाप और झूठ का पिता शैतान है। इन्हीं लोगों को आखिर में आग की झील मिलेगी, जिसको कहते हैं नरक। नरक एक एक दिन बढ़ते जाता है और स्वर्ग की ओर जाने वाले लोग कम हैं, क्योंकि इंसान ज्यादा संसार में पाप से प्यार करते हैं। नरक में हमेशा आग जलती रहती है। वहां रोना और दांतों के पीसने का शब्द हमेशा सुनाई देता है। वहां कोई मृत्यु नहीं है, निरंतर पीड़ा ही होगी। उसके बीच में शैतान आकर उनको पीड़ा देंगे। नरक से हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना करने वालों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। नरक का मतलब है न बुझने वाली आग। कीड़े मकोड़े, शैतान की सेना, अंधकार और शैतान की पीड़ा उससे परिपूर्ण है। कोई भी इंसान इस नरक में न जाए, यही है यीशु मसीह की इच्छा। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को कहा, जाओ सारे संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका नाम जीवन की किताब में लिखा जाए। इसलिए प्रभु के दास लोग आपके लिए मेहनत करते हैं। हमारी शारीरिक चंगाइयां दूसरी बात है, इसमें आत्मा का छुटकारा सबसे बड़ी बात है। शरीर की उम्र 70 और 80 साल तक है, परंतु आत्मा की उम्र हजारों अनंत साल तक है। अभी हम इस शरीर में हैं, तब हमें यह निर्णय लेना है हमारी आत्मा को स्वर्ग जाना है या नरक। स्वर्ग का रास्ता यीशु ही है। यीशु के बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता, लेकिन शैतान लोगों के बीच ये अलग अलग जरिया खोलता है। लालच, स्वार्थी, धन दौलत और घमंडी बनाकर हर प्रकार की अशुद्धि हमारे जीवन में डालकर हमें नरक में खींच कर ले जाने के लिए वह बहुत मेहनत करता है। इसलिए प्रभु ने कहा, शैतान की चालाकियों से बच कर रहो। आइए अपनी बाइबल खोलकर पढ़िए। याद करें प्रकाशित वाक्य 20:15, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।